उनके बेटे और भतीजे को गोलियां लगी, दोनों की हालत तश्वीशनाक है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मजीद बोले, हम इमरान खान के सिपाही हैं, जाने देनी आती हैं। चौहान साहब अपने गार्डों के साथ और सात पुलिस के उधर हमारे कैंप पे पहुंचा है, तो वो उसने ना फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करके दो हैं, एक मेरा बेटा है जिसको फायर सर में लगा है, और दूसरा ये मेरा भतीजा है जिसको टांग पे लगा है। खुद फायरिंग करके गाड़ियों पे आप भाग गया है। ये इंशाल्लाह इसको बताएंगे कि इसको पता नहीं आया कि हम इंशाल्लाह खां के सिपाही हैं, हमें जाने देनी भी आती है और लेनी भी आती है। पूरे चौक में कैमरा लगे, आप कैमरे निकाल लें और अपने तौर पे कैमरे निकाल के चेक कर लें। हमारी कुर्सियाँ चेयर और हमारे पंखे शके ऑफिस से हमारी गाड़ियाँ ले गए, जो अपना जीपे शीपे इलेक्शन का सारा सामान पुलिस वाले उठा के हमारा ले गए हैं। फैर भी हमें लगे हैं और अपने अपना हमारे बच्चों को इसने मार दिया। मेरा बच्चा बड़ा सीरियस हालत में पड़ा है। आई जी डी आई साहब उतना काम करे जितना कल को बर्दाश्त।